पाकिस्तान और श्रीलंका का क्या हाल है? इंडिया को बचा रखा है मोदी जी ने। अच्छा, आप पाकिस्तान में रहते हैं क्या? आप इंडिया की चिंता करो ना, बात कानपुर की नहीं कर रहे, काबुल की कर रहे हैं। बात करना है इंदौर की तो आप इस्लामाबाद पहुंच जाते, बात करना है हिंदुस्तान की तो पहुंच जाते हैं पाकिस्तान। पाकिस्तान में कौन रहता है? आप भी बात। अरे भाई सुनो ना, आडवाणी गया था मजार पर चादर चढ़ाने, जिन्ना के मजार पर। आप भी जाते होंगे, आप बिरयानी खाने जाते होंगे नरेंद्र मोदी जी की तरह। आप हिंदुस्तान के पत्रकार हैं, आप बेशर्मों को इतना भी शर्म नहीं है कि आप हिंदुस्तान की बात कीजिए? अरे हिंदुस्तान की बेटियां, अरे सुनो ना, आप जैसे पत्रकारों ने देखा है देश ने, आप जैसे पत्रकार जो भाजपा कार्यालय में कहीं तथैया नाच रहे हैं ना घाघरा चोली पहन के, उनकी बदौलत है। ये पाकिस्तान की बेटियां नहीं है, ये हिंदुस्तान की बेटियां हैं और ये हिंदू समाज की बेटियां हैं। आप अगर इतना ही चिंतित हैं तो आप इनको इंसाफ दिलाइए, आप उसकी बात नहीं करेंगे? अरे बेशर्मो, सत्ता के दलालों, हबसियों, शर्म करो, डूब मरो। आपकी बेटियां होती, आपकी बहन होती तब भी आप पाकिस्तान का नजारा दिखा रहे होते क्या? पाकिस्तान का कनेक्शन है आपका? आप जरूर आरएसएस के कार्यालय जाते होंगे। अरे आप वही, आपके बाप दादाओं ने गोरे अंग्रेजों की मुखबरी की और आप पाकिस्तान की जासूसी करने वाले प्रदीप कालूकर के भाई लगते हैं। आओ आओ, अरे आरएसएस के संस्कार सवाल करके आए हो। पंकज जी आप बहुत दिनों के बाद आए हैं, जंतर मंतर पहलवानों का प्रदर्शन चल रहा है, कब तक चलता रहेगा? ये बात तो आपको मोदी जी से पूछना चाहिए। अच्छा, सबसे पहले कि जिस हिंदू धर्म की व्याख्या गलत तरीके से आप मीडिया के लोग करते हैं, और हिंदू धर्म में यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहां नारी की पूजा होती है वहां देवताओं का वास होता है, तो क्या प्रधानमंत्री जी असुर प्रवृत्ति के हैं? यह सबसे बड़ा सवाल है। सबसे बड़ा सवाल है, क्या हिंदू बेटियां जब खतरे में है तो भाजपा, आरएसएस, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद से जुड़े हुए तमाम वो लोग आज किस बिलों में छुपे हैं? क्या हिंदू बेटियों की दर्द चीखें उनके कानों तक नहीं सुनाई दे रहा? क्या वो गूंगे और बहरे हो गए हैं? ये सवाल पूछता है और इन पर थूकता है कि सवाल जब ये बिल्किस बानो के गैंगरेपियों को सम्मान कर रहे थे तब भी पूरा देश आहत था। आज प्रधानमंत्री जी आपकी बेशर्मी की हद पार हो गई, आपके आवाज से चंद कदमों की दूरी पर देश की बेटियां हिंदू धर्म, हिंदू बेटियां आज सड़कों पर है और आपकी पुलिस तारीपार। गृह मंत्री जी आपको कर्नाटक चुनाव में जाने का समय है और देश की बेटियों के लिए शर्म नहीं है, एक पैसे का शर्म नहीं है। ये लोग बेशर्म लोग हैं और ये लोग सत्ता के खुदगर्ज हैं, हबसी लोग हैं। ये सिर्फ और सिर्फ कुर्सी पाना चाहते हैं, जहां देश की बेटियां लगातार आंदोलन कर रही हैं, दिल्ली के जंतर मंतर पर है और जबरन इनको डराया गया, धमकाया गया, किसी के कपड़े फाड़े गए, किसी के छाती पर हाथ लगा। आप सब ने देखा, पूरा देश ने देखा, पूरा देश उद्वेलित है, पूरा देश पूछ रहा है कि आप फर्जी हिंदू धर्म के जो ठेकेदार बनते हैं आज कहां हैं? आपका जमीर मर गया? ये सवाल पूछता है भारत और इन पर थूकता है भारत। सबसे बड़ा सवाल है, आप कब निकलेंगे घर और मकानों से प्रधानमंत्री जी? आप कब निकलेंगे तारीपार गृह मंत्री जी? कब निकलेंगे स्मृति ईरानी जी? पालघर की घटना पर आप नागिन डांस डांस रहे थे, जब पता चला कि वो साधु का हत्यारा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, बिल में घुस गए, तब से अब तक नहीं निकले हैं, नहीं निकलते। ये लोग हर चीज में राजनीतिक फायदा निकालते हैं। इसको जाट वर्सेस ठाकुर की लड़ाई मना रहे हैं। ये जाति का लड़ाई नहीं है, ये धर्म की लड़ाई नहीं है, ये देश के बहन बेटियों की इज्जत आबरू बचाने की लड़ाई है। और पूरे देश से अपील करता हूं मैं, निकलना होगा अपने घर और मकानों से, जंग लड़ना होगा भाजपा आरएसएस के इन बेईमानों से, जिनके बाप दादा गोरे अंग्रेजों की मुखबरी करते थे, आज उन्हीं के नजायज औलादे पाकिस्तान की जासूसी कर रहे थे, प्रदीप कालूकर। आप मीडिया के लोगों ने नहीं दिखाया, अगर उनके जगह पर किसी मुसलमान का नाम होता तो आप नागिन डांस रहे हैं, नाच रहे होते। अगर बलात्कारी कोई अब्दुल होता, कोई रहमान होता, तब भाजपा आरएसएस के या चड्डी वाले सड़कों पर लौट रहे होते। आप बताइए ना, कहां है ये, किस बिल में छुपे हैं? हम तो कहते हैं हरियाणा के तमाम भाजपा विधायकों से आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। क्या आप इतने बेशर्म हो गए कि आप विधायक सांसद बनने के लिए अपने बेटियों की आवाज नहीं बन रहे?
मैं गारंटी के साथ कहता हूं पूरे देश में घूम घूम कर देश की बेटियों के इंसाफ की लड़ाई लड़ूंगा। और ये बात यही नहीं रुकेगी, पूरे देश के लोग देश के पहलवान बेटियों के साथ हैं। जब भी ये जब गोल्ड मेडल लेके आते हैं, प्रधानमंत्री जी सेल्फी लेते हैं, फोटो लेते हैं, और आज जब देश की बेटियां सड़कों पर अपने इंसाफ के लिए गुहार लगा रही हैं, जब इनका FIR दर्ज नहीं किया जा रहा था, हम सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करते हैं जिनके आदेश के कारण FIR दर्ज हुआ। निश्चित तौर पर देश के हर नौजवानों को, देश के हर नागरिकों को देश की बेटियों के इंसाफ के लिए सड़कों पर निकलना होगा। आप लोग सवाल उस पर नहीं पूछते, सजा मिलेगी। अरे भैया, देश में संविधान है, देश में लोकतंत्र है, ये कोई भाजपा RSS के नेताओं का बपौती नहीं है, दहेज में लेके नहीं आया, ये तो वो लोग हैं जो गोरे अंग्रेजों की दलाली कर रहे थे। और इतने बेशरम कैसे प्रधानमंत्री जी 80,000 का मशरूम खा के सो रहे होंगे आप इतने निष्ठुर अमानवीय कैसे हो सकते हैं? जिस आदमी के अंदर जमीर जिंदा होगा देश के इन पहलवान बेटियों के साथ होगा। लेकिन अनुराग ठाकुर भाई खेल मंत्री एक नंबर का दलाल आदमी, टपोरी आदमी है, उसका भाषा आपने नहीं सुना था? गोली मारने की बात कह रहा था। कौन सा गुंडा कब वजीर हो जाए आपको पता है? ये लोग कुत्सित मानसिकता के लोग हैं क्या? अनुराग ठाकुर की बेटियां, अनुराग ठाकुर की घर की महिलाएं आज सड़क पर होती तब भी वो क्या यही बात बोलते? हमने देखा है बलात्कार के 99% मामले सामाजिक पारिवारिक दृष्टिकोण से दब जाता है। हम इनको सैल्यूट करते हैं, इन बेटियों को, जिन्होंने ऐसे आदमी के खिलाफ सच बोलने का प्रयास किया है, जिनके दाऊद से संबंध होने का आरोप लगा था। प्रधानमंत्री चुप हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह तिहार जेल में बंद था और ललन टॉप पर उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा था कि मैंने हत्या की, वो सवाल आप नहीं पूछते। क्या आप तब भी सवाल ये पूछते कि अगर ब्रजभूषण शरण सिंह के जगह पर कोई अब्दुल होता, कोई रहमान होता, कोई गफूर होता, कोई अफजल होता? आप नहीं पूछते तब। लेकिन पंकज जी, ब्रजभूषण तो कह रहे हैं कि इसके पीछे साजिश है सरकार को बदनाम करने की। भैया, सत्ता में आप हैं, सब चीज आपको साजिश लग रहा है, अडानी का फ्रॉड आपको साजिश लग रहा है, जोशीमठ की घटना में साजिश लग रहा है, कश्मीरी पंडितों को वेतन बंद कर दिए उसमें भी साजिश है। तो यह सवाल है कि आप देखिए 12 महीने से कश्मीरी पंडितों को वेतन नहीं मिल रहा है तो साजिश है, षड्यंत्र है, प्रयोग है? अरे ये लोग यही लोग हैं जितने देश में जितने भी लोग हुए जिन पर ये आप आरोप लगाते थे, हेमंत विश्व शर्मा पर शारदा नारदा की बात कर रहे थे, मुख्यमंत्री बना दिया, तब आपका साजिश षड्यंत्र प्रयोग कहाँ गया भैया? नारायण राणे को आपने मंत्री बना दी, आज शुभेंदु आप जो है, आप क्या बात कर रहे हैं? क्या यहाँ आंदोलनजीवी लोगों का कब्जा हो गया है, टुकड़े टुकड़े गैंग आ गए हैं? आपकी बहन के साथ अगर ऐसा होता तब भी आप यही सवाल कहते? अरे भाई, मैं पूछ रहा हूँ, आप पत्रकार हैं, आप गोबर को च्यवनप्राश समझकर खाने वाले लोग हैं, गोबर ऑलराउंडर पदार्थ है, खेत में पड़े तो खाद का काम करता है, दिमाग में पड़े तो आप जैसे अंधभक्त पत्रकार को पैदा कर देता है। आप भी इतनी बेशर्मी मत कीजिए, देश का कोई मीडिया दिखा नहीं रहा है और आप हंसी चटोला कर रहे हैं। अरे आपको पत्रकारिता पर लानत है और आप जैसे पत्रकारों पर थूकता है भारत। जितना झुमका नहीं गिरा बरेली के बाजार में आप लोगों का स्तर गिर गया। आप तब भी सवाल पूछ रहे हैं, एक बेटी हिम्मत करके पूरे देश के सामने में अपने उस दुष्कर्म के सच को सामने रख रही है, हमें उसके हौसले को बढ़ाना चाहिए। काश आपकी बहन होती, आपकी बेटी होती, आपकी माँ होती तब भी क्या आप सवाल करते? आप जलालत भरी जिंदगी जी रहे हैं, आपको डूब मर जाना चाहिए मुंह में कालिक पोत कर। आप पत्रकार नहीं है, आप भाजपा के गुंडा हैं, आप भाजपा ही गुंडे हैं, आप अंधभक्त पत्रकार हैं, आपके सोचने समझने की शक्ति खत्म हो गई है। वो कह रहे हैं शिलाजीत की रोटी थोड़ी खाते हैं, कितने लोगों से एक साथ रेप कर रहे हैं। शिलाजीत क्या होता है भैया, उससे पूछिए, उनको कैसे पता चला कि शिलाजीत किस काम आता है? अरे भैया, ये भी तो बात है ना, आप वो नहीं पूछते, माफिया नहीं है, दाऊद के साथ उनका संबंध नहीं था? अरे भैया बोलो ना पत्रकार महोदय। अरे भैया, आप भी उसी को गैंग में थे क्या? तिहार जेल में बंद नहीं था? आप बताओ ना भाई। सर, ब्रजभूषण लगातार ये भी कह रहे हैं कि बार बार अपने बयान बदले जाते हैं लोगों के द्वारा, इस वजह से ऐसी चीजें हो रही हैं। अच्छा, हाँ जी।
तो ब्रजभूषण शरण सिंह पर यह बात है, तो ब्रजभूषण शरण सिंह इस्तीफा देकर अगर दूध के धुले हैं तो क्यों नहीं कहते कि आप हमको नार्को टेस्ट करा लो, पॉलीग्राफ टेस्ट करा लो। श्रद्धा और श्रद्धा के मामले में आपने देखा होगा आरी कहां से आया, किस दुकान से आया, उसका पॉलीग्राफ टेस्ट हुआ, तो क्या नार्को टेस्ट नहीं होना चाहिए, पॉलीग्राफ टेस्ट नहीं होना चाहिए ब्रजभूषण शरण सिंह का? इसलिए नहीं हो रहा है कि वो भाजपा का सांसद है? आप बताइए ना, भाजपा को चुनाव चुनाव की परी है, चुनाव जीत हार के मायने रख रहा है जी। आप बताइए, आप महिला पत्रकार सर, जब पहलवान बेटियों की बात ही नहीं सुनी जाती, आपको क्या लगता है देश की आम बेटी की बात सुनी जाएगी? बिल्कुल की नहीं सुनी जाएगी। बिल्कुल, जो भी नारा प्रधानमंत्री ने दिए 2012-13-14 में, ठीक उसके विपरीत काम किया उन्होंने। जैसे 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात थी, 10 साल में 20 करोड़ युवाओं को रोजगार देना था, इन्होंने 1 करोड़ युवाओं को रोजगार नहीं दी। बहुत हुई महंगाई की मार, आओ भगाए भाजपा सरकार, 400 रुपए के सिलेंडर 1200 रुपए हो गई। आप देखिएगा, बहुत हुआ महिलाओं पर अत्याचार, आओ भगाए भाजपा सरकार। एक निर्भया कांड में कितना देश उद्वेलित हुआ, निर्भया को इंसाफ मिला, सिंगापुर तक की इलाज की व्यवस्था हुई। तो क्या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को पूर्ववर्ती सरकार से यह नहीं सीखना था? क्या देश की पहलवान बेटियां जो तिरंगे का सम्मान और देश के सम्मान में अपना खून पसीना बहाकर गोल्ड मेडल जीत कर रहती हैं? एक मिनट समझिए। तो ये सवाल उठता है कि अब आप अगर इतने ही पाक साफ हैं तो आप क्यों नहीं करते? ये बीफ एक्सपर्ट की बात करते हैं, बीफ एक्सपर्ट पर पाबंदी नहीं लगाते, तो ये सबसे बड़ा सवाल है कि जांच क्यों नहीं उस पर FIR दर्ज किए गए, क्यों नहीं उसको जेल में डाला जा रहा है? ये तमाम बातें हैं, और देश की बेटियों के इंसाफ के लिए सभी देशवासियों से हाथ जोड़कर विनती है, निकलिए अपने घर और मकानों से। अगर अपने बेटियों को बचाना है तो भाजपा RSS के नेताओं के खिलाफ आपको मोर्चा संभालना होगा, बचाना होगा भारतीय जनता पार्टी RSS के नेताओं, गद्दार नेताओं से, जो अपने ही मुल्क के, आप 42,000 महिलाएं गायब है गुजरात से, गुजरात स्टोरी पर बात नहीं होती है, वहां कौन सा एंगल है बताओ? क्यों चुप है सरकार? अरे भाई, केरला स्टोरी का फेक न्यूज हो गया ना, 20,000 वाला, अरे बताओ ना, अरे बेशर्मो, अबे सत्य के दलालो, हबसियो, चड्डी गैंग के पत्रकारों, सुन लो, अरे भाई सुनो, अरे भैया, गुजरात में 42,000 महिलाएं गायब हैं, आप बताओ, आप गुजरात में 42,000 महिला गायब हैं, आप लोग कभी उस पर बात नहीं करते? RSS के DRDO में जो वैज्ञानिक है प्रदीप करुलकर, जो पाकिस्तानी खुफिया जानकारी दे रहा था, आपको पता है, जिसको गैलेंट्री अवार्ड से नवाजा गया था, वो पाकिस्तान के लिए खुफिया जानकारी दे रहा था। DSP देवेंद्र सिंह पर बात नहीं हुई, पुलवामा घटना की जांच नहीं हुई, तीन कहते थे कमजोर प्रधानमंत्री दिल्ली में बैठा है, ये हथियार कहां से आते हैं? तो नरेंद्र मोदी जी, ये 300 किलो ये RDX कहां से आया, 50 किलो जेलेटिन कहां से आया, ये कार कहां से आई, ये तो बता दो। जब CRPF के अधिकारियों ने एयरलिफ्ट कराने की बात की थी, जब इंटेलिजेंस का रिपोर्ट था, तो क्यों नजरअंदाज किया गया? आप बताओ, उस पर नहीं बात करते? आप कानपुर की घटना पर, आपसे संबित पात्रा ने ट्वीट करके बोला, डेली स्कूल खुलवा रहे हैं मोदी जी, हर हफ्ते यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय खुल रहा है देश में, डेली। हाँ जी, ट्वीट करा उन्होंने। पत्रकारिता करते हो? नहीं, सवाल है, वो कह रहा है। अरे गोबर को चमनप्राश समझ के खाते हो, रोटी खाते हो? साल में 365 दिन है, तो प्रधानमंत्री जी 10 साल से प्रधानमंत्री हैं, जब साल में 365 स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी खुला, तो देश में कितने गाँव है बता दो हमें, कितना हो गया? अरे बेशर्मो, नहीं हम तो सवाल कर रहे हैं कि वो बोल रहे हैं क्या है, 56 इंच का सीना, 65 इंची का नाप लिया करना था।